आज हमारी बैठक हुई कम से कम ढाई घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक ही एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और पूरे ऑल पार्टीज़ का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर केडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं जो पहले महीने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है, और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं, और
दूसरा, हाँ दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स, या जो है बालू साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचुरी साहब है, अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो, और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के MLK नेता है, सभी सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक, नहीं नहीं बोला, वही बोला, इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है, मैंने कहा। थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग। शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी इन्होंने, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग है, इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे, हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार। थैंक यू।